बोलो राधे राधे। राधे किसी ने राधे। बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो ऊपर वाला एक ही पल में कर देता है। आपके लिए महाभारत के युद्ध के समय की एक कहानी, चिड़िया की ये कहानी जो आपसे छिपाई गई थी, वो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस युद्ध भूमि पर पहुँचे और उसका निरीक्षण करने लगे। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यह युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया जिस पर मेरा घोंसला था जो नीचे गिर गया, उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है जो घूमता ही चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तब चिड़िया बोली कि हे भगवान, आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दीजिए कि मैं आप पर विश्वास कर सकूँ। भगवान ने कहा, हाँ तुम मुझसे मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे धनुष और तीर दो। तब अर्जुन धनुष देने से पहले कहते हैं, हे माधव, आपने तो शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है, फिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ आन पड़ी कि आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता आन पड़ी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ जाते हैं और धनुष दे देते हैं। श्री कृष्ण तीर चलाते हैं पर तीर हाथी को नहीं लगता, बल्कि उसके गले में लगी घंटी पर जा लगा और घंटी जमीन पर जाकर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे, हे माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, एक मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी है। फिर 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला और अंत में पांडवों की विजय हुई। फिर एक बार उस युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था, श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपने मित्र अर्जुन के साथ उस युद्ध भूमि पर पहुँचे और अर्जुन से कहा कि एक काम करो, रथ से उतरो और जाकर वो घंटी रखी है उसे हटा दो। अर्जुन ने उस घंटी को हटाया और साइड किया, जैसे उस घंटी को उठाया वैसे उस घंटी के नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे निकले और हवा में उड़ गए। अर्जुन ये समझ गए कि कहाँ मैं हाथी को मारने की बात कहा कर रहा था और कहाँ माधव ने सिर्फ उस घंटी को नीचे गिराकर चिड़िया के परिवार की उस युद्ध भूमि में 18 दिन तक रक्षा कर ली। मित्रों, चिड़िया ने श्री कृष्ण से सिर्फ यही कहा था कि वो उन पर विश्वास कर सकती है और भगवान ने हाँ बोल ली, जिस कारण भगवान उसके बच्चों की रक्षा करते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ जाए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ते। आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा तो ईश्वर एक ही पल में कर देते हैं। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ, कुछ परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा।